नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई न्यूज पोर्टल है, अगर आप अपना कोई न्यूज पोर्टल चला रहे हैं तो ऑलरेडी आप बनवा चुके हैं उसको, पर आप फिर भी उसे फुल हाईटेक करवाना चाहते हैं, फुल फीचर्ड करवाना चाहते हैं, फुल्ली लोडेड करवाना चाहते हैं, दोस्तों वो कैसे करवा सकते हैं, उस विषय के ऊपर आज ये वीडियो है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए हुए बेल आइकॉन पर भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि न्यूज पोर्टल, वेबसाइट डिजाइनिंग और मीडिया से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर आते रहते हैं, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या आप अपने बने बनाए पोर्टल को, जिसे आप रन कर रहे हैं, उसे और ज्यादा लोडेड और हाईटेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, बेशक बिल्कुल करवा सकते हैं। पास में दिए गए नंबर पर ई मीडिया वेब एंड ऐप से आप संपर्क करके अपने बने बनाए पोर्टल को और ज्यादा हाईटेक करवा सकते हैं। अब और ज्यादा हाईटेक करवाना क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, टेक्नोलॉजी आए दिन विस्तृत होती जा रही है, इसका विस्तार होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, विकसित होते जा रहा है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में कई सारी टेक्नोलॉजियां दिन प्रतिदिन आ रही हैं, नई नई फंक्शनैलिटी दिन प्रतिदिन आ रही है। जब आपने पोर्टल बनवाया था, हो सकता है कुछ फीचर्स उस समय अवेलेबल नहीं हो, वर्तमान में वो फीचर कई ज्यादा अलग अलग करवाने में महंगे मिल रहे हो। तो दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप की न्यूज पोर्टल प्रोफेशनल होने के कारण यही कोशिश रहती है कि अगर आप जितने भी न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं या जो चला रहे हैं, वो अपने न्यूज पोर्टल को और ज्यादा हाईटेक करें और हाईटेक बनवा लें, जिससे उनका काम करना काफी आसान हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वो न्यूज क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं। कुछ मैंने हर बार की तरह कुछ टॉपिक्स तैयार किए, उन टॉपिक्स पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप न्यूज पोर्टल, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसे अपडेट करवाना है, तो उस अपडेट्स में होंगे क्या, उस चेंजेस में, उस फुल फीचर्ड में होंगे क्या क्या, तो पहले बात कर लेते हैं कि डिजाइन चेंज। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपके न्यूज पोर्टल आपने बनवाया था, थोड़े समय पहले बनवाया था, कुछ समय पहले बनवाया था, साल भर पहले बनाया था, 5 साल पहले बनवाया था, उसके डिजाइन अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो उसकी डिजाइनिंग चेंज हो सकती है। फीचर्स उसमें अगर कुछ कमी है तो वो फीचर्स बढ़ सकते हैं। उसमें कुछ अपडेशन की आवश्यकता है, कुछ फाइल्स में अपडेट मांग रहा हो, कुछ उसके डेटाबेस अपडेट हो, फाइल्स अपडेट हो, जो भी अपडेशन हो वो अपडेट्स उसमें हो जाएंगे, और कुछ तकलीफें जो आपके न्यूज पोर्टल में आ रही होंगी, उन तकलीफों को भी दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप बात कर सकते हैं कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार फीचर्स तो हमने इतने सारे सुन लिए कि मार्केट में इतने सारे आ गए हैं, अब जिससे हमने बनवाया था उनसे ही हम वापस बात करें कि इसको बढ़वा लें। दोस्तों, एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर आपका जन्म जिस हॉस्पिटल में हुआ था, क्या आप पूरे जीवन भर उसी हॉस्पिटल और उसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं? नहीं, आप डॉक्टर्स भी चेंज करते रहते हैं समय के साथ में, आप अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जहां पर आपको सुविधाएं अच्छी मिलेगी, जहां पर आपकी सुविधा होगी, जब आपको पास रहेगा, आप वहीं से अपना इलाज करवाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके से आपने न्यूज पोर्टल का जन्म जहां से हुआ है, मतलब आपने न्यूज पोर्टल जहां से बनवाया है, जरूरी नहीं कि आप वहां से ही सारे अपडेट करवाएं। आपको सुविधा जहां से मिलती है, आपका फायदा जहां से होता है, जहां आपको प्रॉफिट मिलता है, जहां आपको सपोर्ट मिलता है, आप वहां से काम करवा सकते हैं। इस टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं कि न्यूज पोर्टल आपको कहां से बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है, क्या क्या फैसिलिटी आपको न्यूज पोर्टल डिजाइनर और प्रोवाइडर के द्वारा दी जानी चाहिए, उस पर बहुत अच्छा वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें भी देखें, न्यूज पोर्टल से किस तरीके से अर्निंग होती है, कितनी अर्निंग होती है, अर्निंग के कितने पार्ट होते हैं, कहां कहां से अर्निंग होती है, न्यूज पोर्टल को लेकर लगभग सभी जानकारियां मैं अपने न्यूज इस चैनल पर लेकर आते जा रहा हूं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए और विषय पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा फंक्शन अगर आप लोडेड करवाते हैं, तो मैं कुछ फंक्शंस आपके बारे में कुछ फंक्शन की लिस्ट तैयार की है, उन फंक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूं। हो सकता है उसमें से कुछ फंक्शन आपके न्यूज पोर्टल पर हो, पर जो नहीं हो वो पोर्टल को आप उन फंक्शंस को अपडेट कर सकते हैं। मैं जितने आपको फंक्शन अभी बताने जा रहा हूं, हो सकता है उसमें से कुछ लेटेस्ट फंक्शन मिस भी हो जाए, पर जो खास खास, जो सबसे लेटेस्ट चल रहे हैं, जो ऑटोमेटिक, मतलब मैंने जैसे बात की कि सुपर हाईटेक आपके पोर्टल को बनाना है, तो कुछ ऐसे ही फीचर होना चाहिए जो आपके पोर्टल को सुपर हाईटेक दिखाएं भी। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है
लाइव न्यूज टीवी चैनल, जी हाँ लाइव न्यूज टीवी चैनल, अगर आपके पोर्टल पर पाठक आते हैं, हो सकता है आपके पाठकों को की अलग अलग डिमांड हो, अलग अलग इच्छाएं रहती हो, तो दोस्तों सीधी सी बात है जो जितना अच्छा दिखेगा वो उतना अच्छा बिकेगा। तो आपके पोर्टल पर मान लीजिए अगर लाइव टीवी का फंक्शन हो, लाइव न्यूज चैनल उस पर चलते हो तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों। ये फीचर एक हाईटेक फीचर में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं लाइव रेडियो की। जी हाँ, रेडियो सुनने के लिए आजकल कई लोगों को आप सोचेंगे रेडियो की बात सुनकर कि रेडियो कौन सुनता है, तो दोस्तों रेडियो बहुत लोग सुनते हैं। और अगर अभी चूंकि लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेडियो के पाठक बढ़े हैं, क्योंकि उसके लिए ज्यादा आपको स्पेशल टाइम खर्च नहीं करना पड़ता। टीवी देखने के लिए टीवी के सामने बैठना पड़ता है, पेपर पढ़ने के लिए पेपर को हाथ में लेना पड़ता है, मोबाइल चलाने के लिए मोबाइल पे व्यस्त रहना पड़ता है, मोबाइल को देखते रहना पड़ता है। रेडियो पर एक ऐसा सोर्स रहता है जिसे चालू करके छोड़ दो, अपना काम भी करते रहो, रेडियो चलते रहेगा, सुनते रहेगा। तो रेडियो का फीचर एक बहुत खास होता है। तो अगर आप चाहें तो अपने न्यूज पोर्टल के ऊपर रेडियो भी इम्बेड करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, चलवा सकते हैं। अपने न्यूज पोर्टल पर जितनी सुविधाएं रहेगी, मान के चलिए आपका एक न्यूज पोर्टल जितनी सुविधाओं से भरा पूरा रहेगा, उतने ज्यादा पाठक आपके पोर्टल पे बने रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि एक ही छत के नीचे हमें सारी सुविधाएं मिल रही है। तो सबसे अगली सुविधा की बात कर लेते हैं, हिंदू पंचांग। दोस्तों कई लोग हिंदू पंचांग ढूंढने के लिए अलग अलग साइटों का सहारा लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, अलग अलग ब्लॉग्स देखते रहते हैं, पूजन पंडिताई की साइट पर जाते हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए एक ऑटो अपडेट होते रहने वाला हिंदू पंचांग भी अगर आपकी वेबसाइट पर हो तो कितनी अच्छी बात है। कई हिंदू लोग अपनी सिर्फ पंचांग, राशिफल, दिन, आज कौन सा मूल नक्षत्र, हर चीज को देखने के लिए आपके न्यूज पोर्टल का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपके विजिटर पाठक और ट्रैफिक भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं अगला ऑटोमेटिक फंक्शन, तो डेली राशिफल। जी हाँ, कई न्यूज पोर्टल पर राशिफल आपको लगाना पड़ती है, डेली आप राशिफल के लिए किसी पंडित का सहारा लेते हैं, किसी पेपर का सहारा लेते हैं, किसी ब्लॉग किसी साइट का सहारा लेते हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर कोई सा ऐसा फीचर मिल जाए जिसमें ऑटोमेटिक राशियां राशिफल डेली के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से और जीवन के हिसाब से अपडेट होती रहे, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में राशिफल का ऑप्शन आपको एक हाईटेक मिल जाता है जो ऑटो अपडेट होता रहता है। अब बात कर लेते हैं न्यूज शेयर। जी शेयर न्यूज अब आप करते हैं, देखिए न्यूज तो आपको डेली तौर पर शेयर करना ही है, तो दोस्तों काश कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम हो जिससे अगर आप 10 दिन के लिए छुट्टी पर भी जाते हैं और आपका न्यूज पोर्टल, आपको चिंता रहती है कि उन 10 दिन में पोर्टल पे न्यूज कैसे लगाएंगे, या तो आपको ही समय देके उस छुट्टियों के सेशन में भी समय निकाल के न्यूज पोर्टल अपडेट रखना पड़ेगा। काश कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता जिससे आपकी न्यूज पोर्टल पर ऑटोमेटिक न्यूज लगती रहती, कितनी अच्छी बात होती दोस्तों। तो ये ऑटोमेटिक न्यूज पोस्ट का सिस्टम भी हम आपके पोर्टल पर तैयार करके देते हैं। ये जितनी फीचर्स और सुविधाएं मैं आपको बताते जा रहा हूं, ये सारी सुविधाओं को जोड़कर आप अपने पोर्टल को हाईटेक करवाना चाहते हैं, अपडेट करवाना चाहते हैं, तो भी आप ई मीडिया वेब एंड ऐप के पास में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इतने फीचर जो आप सुन रहे हैं उनमें से कुछ फीचर जो जो आपको खास लगते हैं, वो फीचर भी अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप उन फीचर्स को भी अपडेट करवा सकते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं, शेयर मार्केट चार्ट। जी हाँ, शेयर मार्केट में अधिकतर लोगों की आजकल रुचि समय और दिन के हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो दोस्तों शेयर मार्केट में अपडेट रहने वाले लोग अगर आपके समाचार पढ़ते हैं तो उनको आपके समाचार पोर्टल पर ही एक चार्ट मिल जाता है, उस चार्ट में ही शेयर मार्केट के अप एंड डाउन उनको दिखते रहते हैं। तो दोस्तों कितनी अच्छी हेल्प हो जाती है उनकी कि एक ही पोर्टल पर उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही है। अगले फीचर की बात कर लेते हैं कि क्रिकेट स्कोर। दोस्तों क्रिकेट लवर तो आप भी मेरे ख्याल से होंगे ही, लगभग पूरा भारत ही क्रिकेट लवर है, तो क्रिकेट लवर्स के लिए कितनी अच्छी चीज हो जाती है कि समाचार पढ़ने के साथ में उनको एक ऐसा बॉक्स मिल जाता है, एक ऐसा फीचर कंटेंट मिल जाता है जहां पर वो अपने समाचार को पढ़ते पढ़ते और दूसरी सुविधाओं का लाभ लेते हुए भी क्रिकेट का स्कोर लाइव अपडेट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा आपके पोर्टल पर आपको मिल जाती है अगर आप हमसे हाईटेक करवाते हैं तो। न्यूज कॉपी प्रोटेक्शन। जी हाँ, क्या होता है कई स्थिति में चोरों की भरमार है ना, तो आप इतनी मेहनत से न्यूज बनाते हैं, चोरी करने वाले आपके समाचार को कॉपी करके उसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके उसे अपनी बता के प्रेजेंट कर देते हैं। इसी स्थिति में जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी इच्छा रहती है और वो चाहते भी हैं और उनके साथ होना भी चाहिए कि उनकी न्यूज कॉपी न हो। तो दोस्तों अगर कॉपी न हो, इसका रोक किस तरीके से की जा सकती है, तो दोस्तों उसके लिए एक प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार होता है जिसको न्यूज कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। अगर वो भी आप करवाना चाहते हैं अपने पोर्टल पे तो आप हमसे करवा सकते हैं, इस पैकेज के अंदर करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वेबसाइट नोटिफिकेशन।
जी हाँ, वेबसाइट नोटिफिकेशन ये होता है जैसे न्यूज पोर्टल में होता है, न्यूज एप्लीकेशंस में होता है, कई एप्लीकेशंस में होता है, व्हाट्सएप में होता है, फेसबुक में होता है, कि जब भी कोई नई पोस्ट डलती है, कोई अपडेट डलती है तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों काश आपकी वेबसाइट में न्यूज पोर्टल में भी ऐसा फंक्शन हो कि उसका नोटिफिकेशन आ जाया करे, और जितने लोग उसको यूज इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब करने के बाद उनको प्रति हर खबर के हिसाब से नोटिफिकेशन मिलता रहे तो कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों ये फीचर भी आप अपने पोर्टल में हमसे करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है आपका समाचार पोर्टल है, अगर आप हिंदी में समाचार लिख रहे हैं तो सिर्फ हिंदी के पाठक ही उस समाचार को पढ़ पाएंगे, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश जानने वाले ही उस समाचार को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। पर अगर कोई दूसरी भाषा जैसे हुआ उर्दू, बंगाली, तमिल और भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस में अगर अपने समाचार को पढ़ना चाहता है तो उनके लिए तो आपका समाचार किसी काम का ही नहीं। तो काश ऐसी कोई सुविधा हो कि जिसमें जितनी भाषाएं हैं लगभग 25 से ज्यादा भाषाओं में आपके पोर्टल में समाचार पाठक पढ़ पाए और आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में ही समाचार लगाना है। अगर आप हिंदी में लगा रहे हैं, इंग्लिश में लगा रहे हैं, सिस्टम ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर देगा 25 से ज्यादा भाषाओं में। दोस्तों कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों ये फीचर भी आप चाहें तो अपनी वेबसाइट में अपने न्यूज पोर्टल के ऊपर करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है एसईओ की। एसईओ का अगर जानते हो, समझते हो एसईओ क्या होता है, इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, उसके लिए भी आप अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि एसईओ से रिलेटेड आपको जानकारी, साथ में अपने न्यूज पोर्टल को और कैसे अपडेट किया जा सकता है उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। एसईओ को नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप वेबसाइट पर कुछ भी सर्च करते हैं, यूजर जो भी इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसमें जो टॉप पर वेबसाइट्स और जो टॉप पर टॉपिक्स आते हैं उसको टॉप पर लाना, वो एसईओ का काम रहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की न्यूज भी कोई नॉर्मली सर्च करे तो उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, टॉप पर आपकी वेबसाइट है, उसके लिए क्या करना हो सकता है, होता है, तो उसके लिए भी कुछ सेटअप तैयार किए जाते हैं जिन्हें प्रीमियम सेटअप्स कहते हैं। वो प्रीमियम सेटअप भी अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट पर करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है विजिटर मीटर की। अधिकतर न्यूज पोर्टल पे विजिटर मीटर एक सिंपल विजिटर मीटर बना रहता है। विजिटर मीटर होता है आपकी वेबसाइट पर कितने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं उसका आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल नोटिफिकेशन और एक सिंपल मीटर की जगह काश ऐसा हाईटेक मीटर आपकी वेबसाइट में लगा हुआ हो जिससे आपको हर दिन, अगले दिन, पूरे सप्ताह, पूरे महीने, पूरे साल और ओवरऑल का डेटा भी पता चलते रहे कि हमारी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, कितना हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर थे, इसके अतिरिक्त भी कई सारे फीचर हैं जैसे ब्रेकिंग न्यूज की बुलेटिन, साथ में और कई सारे ऐसे फीचर हैं जिनको मैं इतनी लिस्ट में अगर बनाऊं तो लगभग एक घंटे से ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आप इन सभी फीचर्स को अपने पोर्टल पर, चूंकि मेरा टॉपिक आज का यही था कि अगर आपका न्यूज पोर्टल बना हुआ है, आपने न्यूज पोर्टल बनवा चुके हैं, चला रहे हैं, पर उसे हाईटेक और अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप पास में दिए गए ई मीडिया वेब एंड ऐप के नंबर पे संपर्क करके वहां से अपने न्यूज पोर्टल को हाईटेक करवा सकते हैं, ये सारे फंक्शन जुड़वा सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि इन फीचर्स को, इनमें से कुछ फीचर्स भी अगर आप, मान लीजिए सारे नहीं करवाना चाहते, कुछ फीचर भी आप अपडेट करवाना चाहते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं उसकी भी जानकारी आप इस नंबर पर संपर्क करके कर सकते हैं। साथ ही इन सभी लेटेस्ट फीचर्स, मतलब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उन सभी लेटेस्ट फीचर्स से लोडेड अगर न्यूज पोर्टल आप बनवाना चाहते हैं, एक हैवी न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं, तो ये न्यूज पोर्टल आप बनवा सकते हैं मात्र 14,999 रुपए की कीमत में, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाता है कुछ चीजें और बता देता हूं। आपको इस न्यूज पोर्टल के साथ में एक मोबाइल वेब व्यू एप्लीकेशन भी मिलेगी जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेगी। साथ ही आपको इसमें नॉर्मल स्पेस न मिलने के बजाय 5 GB से ज्यादा का 5 GB का होस्टिंग स्पेस मिलता है और अनलिमिटेड आपको बैंडविड्थ मिलता है, मतलब फुल्ली लोडेड 5 GB से ज्यादा, मतलब 5 GB के डेटा में आप लगभग चाहे तो 1 करोड़ समाचार लगा सकते हैं और इससे ज्यादा भी लग सकते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करते हैं। गाइडलाइन क्या होती है न्यूज पोर्टल को चलाने की, इंस्ट्रक्शन और प्रिकॉशंस क्या होते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उनको भी देख सकते हैं। उस वीडियो को देखकर कई सारे बातें आपको जानने को मिलेगी, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें अगर आपका न्यूज पोर्टल है, बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बनवाना चाहते हैं। और अगर ये फुल्ली लोडेड न्यूज पोर्टल आप हमसे डिजाइन करवाना चाहते हैं जिसके साथ में आपको न्यूज एप्लीकेशन और ये सारे लेटेस्ट फीचर, टेक्निकल सपोर्ट और बेहतरीन सिस्टम आपको मिल जाता है, ई मीडिया वेब एंड ऐप से आप संपर्क करके ये पोर्टल बनवा सकते हैं। अगर आप कम बजट का न्यूज पोर्टल भी बनवाना चाहते हैं, एक लिमिटेड स्टार्टअप करने के लिए भी न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं, तो भी आप ई मीडिया वेब एंड ऐप से संपर्क करके अपने बजट के हिसाब से न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा लेटेस्ट फीचर क्या क्या अभी चल रहे हैं और कैसे अपने पोर्टल को अपडेट करवा सकते हैं, ये आपको इससे जानने को मिला होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।
ई मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। हम बनाते हैं क्रिएटिव, इफेक्टिव और प्रोफेशनल वेबसाइट्स। हमारी बनाई गई वेबसाइट्स कन्वर्ट करती है आपके वेबसाइट ट्रैफिक को नए कस्टमर्स में। तो आज ही कॉल करें या व्हाट्सएप करें 7999960609 पर।